अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ENT पोर्शन स्टार्ट करेंगे और ENT पोर्शन में हम इनर ईयर डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मिनियर्स डिजीज। तो हम कह सकते हैं जो मिनियर्स डिजीज है वो इनर ईयर डिसऑर्डर है। एनाटमी मैंने आपको पढ़ाई है, चाहे वो एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर या इनर ईयर की है, वो हमने ऑलरेडी क्लास में पढ़ी है। तो मिनियर्स डिजीज एक इनर ईयर डिसऑर्डर है। कैसे होता है? इट्स कॉज्ड बाय लिम्फैटिक चैनल डायलेशन। जब लिम्फैटिक चैनल जो है वो डायलेट हो जाता है, नॉर्मली डायलेट हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मिनियर्स डिजीज। या मिनियर्स डिजीज जो है इट्स एन एबनॉर्मल इनर ईयर फ्लूइड बैलेंस। अब कैसे हो जाएगा ये इनर ईयर फ्लूइड बैलेंस एबनॉर्मली कॉज्ड बाय माल एब्जॉर्प्शन इन एंडोलिम्फैटिक सैक। ठीक है, जब माल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा एंडोलिम्फैटिक सैक पे, उस कंडीशन की वजह से एबनॉर्मल एयर फ्लूइड बैलेंस हो जाएगा। अब देखा गया अकॉर्डिंग टू द एविडेंसेस, जो ये मिनियर्स डिजीज है, जिन लोगों में ये पाया गया उनमें देखा गया कि एंडोलिम्फैटिक डक्ट जो होता है वो ब्लॉक्ड होता है, इज ब्लॉक्ड। अब चाहे कोई भी कॉज है, रिगार्डलेस ऑफ द कॉज, ठीक, वहां पे क्या बन जाएंगे अब एंडोलिम्फैटिक हाइड्रोप्स। अब बोलेंगे ये एंडोलिम्फैटिक हाइड्रोप्स क्या होता है। ये वो कंडीशन है जहां पे डायलेशन हो जाएगी एंडोलिम्फैटिक स्पेस में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एंडोलिम्फैटिक हाइड्रोप्स इज द कंडीशन इन विच डायलेशन इन एंडोलिम्फैटिक स्पेस डेवलप्स। क्लियर? व्हेन देयर इज नाउ डेवलपमेंट ऑफ एंडोलिम्फैटिक स्पेस, ठीक है, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, या तो प्रेशर बढ़ जाएगा, इधर इंक्रीज्ड प्रेशर इसमें पूरे सिस्टम में, ठीक है, या रप्चर, इनर ईयर का रप्चर हो सकता है। और जब ये दो कंडीशंस हो जाएं, चाहे इंक्रीमेंट इन द प्रेशर इन द सिस्टम हो गया या इनर एयर मेम्ब्रेन का रप्चर हो गया, उस वजह से फिर साइंस एंड सिम्टम्स उबर आ जाते हैं। अब अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें, साइंस एंड सिम्टम्स में आगे पढ़ाऊंगी, अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें, ये देखा गया कि स्मोकिंग एंड हाई साल्ट डाइट जो है ये वर्सन कर लेते हैं मिनियर्स डिजीज कंडीशन को। क्लियर? If we talk about occurrence, ये देखा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स में मोर देन 2.4 मिलियन पीपल आर affected by Meniere's disease, ठीक। एंड ये जो Meniere's disease है ज्यादातर common है, more common in adults। और जो ऑनसेट है दैट इज 40 इयर्स ऑफ एज। क्लियर? अब अडल्ट्स को छोड़ के ये चिल्ड्रन में भी पाया गया, बच्चों में भी देखा गया कि मिनियर्स डिजीज का ऑक्यूरेंस है। किस एज ग्रुप में? एट द एज ऑफ 4 इयर्स। 4 इयर्स। क्लियर? और अडल्ट्स में अप टू 90 इयर्स तक भी हो सकता है। Rather,
ऑनसेट इज 40 ईयर्स, मैंने कहा, बट 90 ईयर्स के बंधु में भी हो सकता है। अगर जेंडर की बात करें, इक्वली कॉमन, मर्दों में भी हो सकता है, औरतों में भी हो सकता है, ठीक है। और देखा गया कुछ लोगों में ये दोनों कानों में हो सकता है, पर्टिकुलरली ज्यादातर एक कान में हो जाता है और फिर वक्त के साथ साथ दूसरे कान में भी हो सकता है। बट अगर हम देखें 20% ऑफ पेशेंट्स जो हैं उनमें बायलेटरली देखा गया, अगर हम फैमिलियल हिस्ट्री की बात करें तो अबाउट 20% ऑफ पेशेंट्स हैव पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री डिसऑर्डर्स, फैमिली हिस्ट्री ऑफ दिस डिजीज, दिस इज ऑकरेंस। नाउ कमिंग टुवर्ड्स इट साइंस एंड सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स में नंबर वन इज फ्लक्चुएटिंग प्रोग्रेसिव सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, जिसको हम एब्रिवेट करते हैं एज SNHL, सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। तो जो ये सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, इट्स दैट टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस विच इज कॉज्ड बाय डैमेज ऑफ इनर ईयर। हम तो इनर ईयर ही का डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, मेनियर्स डिजीज, ठीक है। या देखा गया बाय द डैमेज ऑफ नर्व फ्रॉम ईयर टू ब्रेन, क्लियर। और जो यही सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, इट इज कंसिडर्ड एज परमानेंट हेयरिंग लॉस। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम इज टिनिटस। टिनिटस क्या होता है? रिंगिंग सेंसेशंस हम सुनाई देते हैं पेशेंट को, या अब बोलो रोरिंग साउंड्स, शोर जैसा सुनाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फीलिंग ऑफ प्रेशर या फुलनेस ऑफ एयर, भारी से लगते हैं कान, ठीक है। नेक्स्ट इज इनकैपेसिटेटिंग वर्टिगो, वर्टिगो यू नो व्हाट इज इट। और जो यहाँ पे ये वर्टिगो हो जाता है, इट्स यूजुअली एकम्पनीड बाई नोशिया वॉमिटिंग, ठीक है। अब कोई भी साइन एंड सिम्टम अगर प्रेजेंट है बंदे में, अगर हम ऑनसेट की बात करें स्टार्टिंग में, इनका रेंज जो है वो माइनर होता है, माइनर न्यूसेंस। अगर हमने ट्रीट आउट नहीं किया बंदे को विद द पेस ऑफ टाइम, इट कैन डेवलप इनटू एक्सट्रीम डिसेबिलिटी। और जो ये एक्सट्रीम डिसेबिलिटी है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला सेंसो न्यूरल हियरिंग लॉस हो जाएगा, मींस वहां पे परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है, क्लियर। और एस्पेशली जो ये परमानेंट हियरिंग लॉस है, एसोसिएटेड होता है विद सीवियर वर्टिगो। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब हम मैनेजमेंट पे आ जाएंगे वहां पे मैं आपको बोलूंगी कि जो अंडरलाइंग कॉजेज हैं या जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं, हमने पहले उनको कंट्रोल करना है। पर्टिकुलरली वी वर्क ऑन दिस वर्टिगो। अगर हमने वर्टिगो को कंट्रोल किया, विच इज द रिस्क फैक्टर फॉर कॉजिंग द परमानेंट हियरिंग लॉस, तो हम इस चीज को बचा सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड्स, अगर इसके टाइप्स की बात करें, कुछ क्लिनिशियंस ने देख लिया, बिलीव करते हैं वो कि दो सब टाइप्स हैं या दो सबसेट्स हैं इस डिजीज के, और कलेक्टिवली उन्होंने उनको ये नाम दिया एटिपिकल मेनियर्स डिजीज।
अब कौन से दो सबसेट्स हैं? नंबर वन इज कॉकलियर मेनियस डिजीज एंड नंबर टू इज वेस्टिब्यूलर मेनियस डिजीज। अब आप बोलेंगे ये कॉकलियर मेनियस डिजीज क्या है? तो कॉकलियर मेनियस डिजीज जो है इसको हम रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं? ये इट इज रिकॉग्नाइज एज अ फ्लक्चुएटिंग प्रोग्रेसिव सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस प्लस एसोसिएटेड विद टिनिटस। ठीक है, और ओरल प्रेशर इन एब्सेंस ऑफ वेस्टिब्यूलर सिम्टम्स। मैं आपको ये समझाऊं कि अगर आप गौर से देखें, जैसे कि मैंने आपको साइंस एंड सिम्टम्स पढ़ाए, तो अकॉर्डिंग टू द साइंस एंड सिम्टम्स सम क्लिनिशियंस बिलीव कि दो सबसेट्स हैं इस डिजीज के। ठीक है, तो अगर हम कॉकलियर मेनियस डिजीज की बात करें, हम कैसे बोलेंगे कि बंदे में कॉकलियर मेनियस डिजीज वाला टाइप है? तो अकॉर्डिंग टू द साइंस एंड सिम्टम, अगर उसमें फ्लक्चुएटिंग प्रोग्रेसिव सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस है और वो चीज़ एसोसिएटेड है विद टिनिटस, कानों में शोर हो रहा है प्लस प्रेशर जो मैंने आपको बोला ओरल प्रेशर। ठीक है, तो अगर ये वाले साइंस एंड सिम्टम्स प्रेजेंट है बंदे में तो वी विल डिटेक्ट कॉकलियर टाइप ऑफ मेनियस डिजीज इज प्रेजेंट। अब अगर हम वेस्टिब्यूलर की बात करें, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑक्यूरेंस ऑफ एपिसोडिक वर्टिगो। ठीक है, प्लस इसमें भी ओरल प्रेशर होता है बट नो कॉकलियर सिम्टम्स। ठीक है, वेस्टिब्यूलर मेनियस डिजीज जो है वो कैरेक्टराइज किया गया कि अगर बंदे में एपिसोडिक वर्टिगो है और इसी एपिसोडिक वर्टिगो के साथ एसोसिएटेड है ओरल प्रेशर, तो हम कह सकते हैं कि बंदे में वेस्टिब्यूलर मेनियस डिजीज है। और वेस्टिब्यूलर मेनियस डिजीज जब हम देखें वहां पे कॉकलियर सिम्टम्स नहीं होते। अगर कॉकलियर मेनियस डिजीज डिटेक्ट हो गया, वहां पे ये वाले साइंस एंड सिम्टम्स है मगर वेस्टिब्यूलर सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड्स इट्स डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में जैसे कि मैंने अभी तक बोला कि वर्टिगो सबसे ट्रबलसम इसमें होता है। ठीक है, जब हम वर्टिगो पे कंट्रोल करते हैं तो हम मेनियस डिजीज को बचा सकते हैं होने से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में पहले केयरफुल हिस्ट्री लेनी पड़ती है। अब केयरफुल हिस्ट्री क्यों? क्योंकि वर्टिगो, वी हैव टू फोकस ऑन वर्टिगो। ठीक है, बिकॉज वर्टिगो इज यूजुअली मोस्ट ट्रबलसम कंडीशन या मोस्ट ट्रबलसम कंप्लेंट। ठीक है, अब हम केयरफुल हिस्ट्री क्यों लेंगे? इस वर्टिगो को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्या क्या चीजें देखेंगे इसमें? टू डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, सीवियरिटी एंड कैरेक्टर ऑफ वर्टिगो। क्लियर? प्लस हम ऑडियोग्राम का यूज करेंगे। ये ऑडियोग्राम हमें क्या चीज खसूसन रिवील करता है? इट रिवील्स अगर सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस है किस अफेक्टेड एयर में। ठीक है, तो ये हमें डिटेक्ट करता है कि सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस तो नहीं प्रेजेंट है। नेक्स्ट विल यूज विल डिटेक्ट बाय इलेक्ट्रॉनी स्टैग्मोग्राम। ये वाला डिवाइस हम यूज क्यों करते हैं? ये हमें दिखाता है कि रिड्यूस्ड वेस्टिब्यूलर रिस्पॉन्स तो नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल हो ज्यादातर देखा गया जो इलेक्ट्रोमी स्टैगमोग्राम है
अकॉर्डिंग टू इट वेस्टिब्यूलर रेस्पॉन्सेज जो हैं वो नॉर्मली होते हैं, ठीक है। मगर अगर हम मीनियर्स डिजीज की सीवियरिटी देखें, जिनमें वर्टिगो ज़्यादा सीवियर हो, तो हम डिटेक्ट करते हैं कैसे, उन बंदों में रिड्यूस्ड वेस्टिब्यूलर रेस्पॉन्स होता है, ये ज़्यादातर हम यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज ट्यूनिंग फॉर्क, जिसको वेबर टेस्ट भी बोलते हो। तो अगर हम इस ट्यूनिंग फॉर्क की बात करें या वेबर टेस्ट की बात करें, ये लेटरलाइज करता है उस कान को जो अपोजिट टू हेयरिंग लॉस वाला कान हो या अफेक्टेड विद मीनियर्स डिजीज, ठीक है। सो इट में लेटरलाइज जो एयर अपोजिट टू हेयरिंग लॉस या अपोजिट टू द अफेक्टेड एयर विद मीनियर्स डिजीज। नाउ कमिंग टुवर्ड्स इट्स मेडिकल मैनेजमेंट, मीनियर्स डिजीज वाले पेशेंट्स को हम ज्यादातर देखा गया कि वो सक्सेसफुली ट्रीट हो जाते हैं बाय डाइट एंड मेडिकल थेरेपी। अगर डाइट थेरेपी और मेडिकल थेरेपी ऑन टाइम दिया जाता है पेशेंट को सफरिंग फ्रॉम मीनियर्स डिजीज, तो हम बंदे को बचा सकते हैं बाय द सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल प्रोसीजर्स। अब ये डाइट मैंने यहाँ पे कहा, यहाँ पे हम पेशेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं उनके साइंस एंड सिम्टम्स को, कैसे, बाय एडहेरिंग टू लो सोडियम, पर्टिकुलरली 2000 mg पर डे इन देयर डाइट, ठीक है। क्यों, आपने पता है कि जो सोडियम है इट्स वन ऑफ द मेनी फैक्टर्स जो रेगुलेट करता है बैलेंस ऑफ फ्लूड विद इन द बॉडी। एसिड इसमें एबनॉर्मल फ्लूड हो जाता है इनर एयर में, ठीक है। तो हम बंदे को बताएंगे, हम बंदे को एडवाइस करेंगे टू कंट्रोल देयर साइंस एंड सिम्टम्स। किस चीज से वो कंट्रोल कर सकता है साइंस एंड सिम्टम्स, जब वो एडहेयर करेगा टू द लो सोडियम, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स इट्स फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, तो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में नंबर वन एंटीहिस्टामाइन्स आर गिवन, एंटीहिस्टामाइन्स फॉर एग्जांपल मेक्लिजन, ये एंटीवर्ट। इसका फंक्शन क्या होता है, ये सप्रेस करता है वेस्टिब्यूलर सिस्टम को, इट सप्रेसेस वेस्टिब्यूलर सिस्टम। नंबर टू ट्रैंक्यूलाइजर्स, फॉर एग्जांपल डायजेपम या वैलियम बोलो, ठीक है। तो ये ज्यादातर हम यूज करते हैं जब एक्यूट इंस्टेंसेस हो या हम कंट्रोल करना चाहते हो वर्टिगो को। क्लियर, एंटीहिस्टामाइन्स, ट्रैंक्यूलाइजर्स। नेक्स्ट, मैंने आपको कहा कि वर्टिगो जो इन बंदों में होता है मेनली एसोसिएटेड होता है विद नौशा एंड वॉमिटिंग, तो हमें नौशा एंड वॉमिटिंग पे भी फोकस करना है। सो टू कंट्रोल नौशा एंड वॉमिटिंग व्हाट वी विल गिव, एंटीएमेटिक्स फॉर एग्जांपल प्रोमेथाजीन, ठीक है। ये क्या कंट्रोल करते हैं, नौशा वॉमिटिंग और प्लस वर्टिगो को। नेक्स्ट इज डायूरेटिक्स, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरोथाजाइड, ये क्या करते हैं, दे रिलीव वो सिम्टम्स
बाय लोवरिंग प्रेशर। अब प्रेशर किस में है? एंडोलिम्फैटिक सिस्टम में, इजंट इट? तो हम डायरेटिक्स यूज करेंगे टू रिलीव दैट प्रेशर, ठीक है? हम लोवर करेंगे प्रेशर किस में? एंडोलिम्फैटिक सिस्टम में। और उससे क्या होगा, जो प्रेशर डेवलपमेंट्स एंडोलिम्फैटिक सिस्टम में है उसके साथ एसोसिएटेड जो सिम्टम्स है उनको भी हम रिलीव कर देंगे। इसके बाद आ जाता है सर्जिकल मैनेजमेंट, विच विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।